और आइए आपको समझाते हैं वो कौन कौन सी 8 सीटें हैं जहां वोटिंग होनी है कल। हर सीट पर कितने कैंडिडेट मैदान में हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं सारा गणित। आप ग्राफिक्स मेरे आगे देख सकते हैं। इस समय कल पीलीभीत में मतदान होना है, कुल उम्मीदवार यहां से 10 हैं। सहारनपुर में भी मतदान होना है, कुल उम्मीदवार यहां से 10 हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, किराना भी प्रमुख सीट जिस पर कल मतदान होना है, यहां से 14 उम्मीदवार हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर पे आप नजर डालते हैं तो यहां से 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिजनौर कुल उम्मीदवार यहां से 11 हैं। नगीना यहां से 6 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, जो ताल ठोकते हुए कल नजर आएंगे। मुरादाबाद कुल उम्मीदवार 12, रामपुर कुल उम्मीदवार 6। तो ग्राफिक्स के जरिए आपने ये जान लिया कि कल जिन जिन सीटों पर मतदान होना है उत्तर प्रदेश में, उनमें हर एक सीट पर किस तरह से मतदान, कितने कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला होने कल जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि 8 सीटों पर जो कल मतदान होना है, जिसमें कुल उत्तर प्रदेश के 80 कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी दम भर रही है सारी सीटें जीतने का। अब कौन कौन से वो कैंडिडेट्स हैं जो कल अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, तो आपको बताते हैं कल 8 उम्मीदवार जो जिनके लिए अपने अपने मुद्दे लेकर मतदान करने के लिए लोग जाएंगे। पहला चरण बीजेपी के लिए कितना अहम रहने वाला है वो आप इससे समझ सकते हैं। पहला बड़ा मुद्दा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। देखिए, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग अपने जहन में रखते हैं और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ही कल वोट करने के लिए जाने वाले हैं। गन्ने का भुगतान, उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रमुख मुद्दा लोगों के बीच में गन्ने के भुगतान को लेकर है। ज्यादातर लोग संतुष्ट हैं योगी सरकार के कामकाज से, केंद्र सरकार की योजनाओं से। चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को सम्मान, और ये भी एक मुख्य मुद्दा जो कल मतदान करने के लिए जाने वाले हैं लोग, ये एक प्रमुख मुद्दा अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। CAA, कई अहम मुद्दों में सबसे आप अहम मुद्दा CAA को कह सकते हैं। इसकी फेवर में लोग हैं, इसके अगेंस्ट लोग हैं, तो जो भी कल मतदान करने के लिए जाएगा उसके जहन में CAA का मुद्दा जरूर रहने वाला है। अनुच्छेद 370, ये वो मुद्दा है जो लोग अपने जहन में जरूर रखेंगे, क्योंकि पिछले चुनावों के वादे में सबसे बड़ा जो वादा था मोदी सरकार का वो यही था कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाएगा, जिसको पूरा किया गया है। विकास का मुद्दा सबसे प्रमुख है, विकास का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो में, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में या कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप देखते हैं तो हर तरफ विकास के मुद्दे की बात आती है, तो ये एक प्रमुख मुद्दा जो लोग अपने जहन में रखेंगे। राम मंदिर, सबसे महत्वपूर्ण राम मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है 500 साल के बाद, ये लोगों के मन में जरूर होगा कि बीजेपी सरकार के रहते ही ये कार्य सफल हो पाया है। और राम मंदिर, भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं। रोजगार, विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए ये एक प्रमुख मुद्दा कल जिन सीटों पर लोग मतदान करने के लिए जाने वाले हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, रोजगार के अहम मुद्दे को अपने जहन में जरूर रखने वाले हैं। तो ये तमाम मुद्दे आपने जान लिए, हर एक सीट का आपने विश्लेषण जान लिया कि कितने कैंडिडेट्स के बीच में मुकाबला कल रहने वाला है, उस पर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और जानकारी के साथ। सबसे पहले चलते हैं रामपुर, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल सक्सेना इस समय मौजूद है। रामपुर में कल मतदान होना है, विशाल बेहद महत्वपूर्ण है कल का दिन, कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के दिमाग में रहने वाले हैं, कई ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो पूरे कर लिए गए हैं। पिछली बार के 2014 और 19 के चुनाव में सरकार के रहते जो घोषणाएं की गई थी, जो वादा किया गया था, तो वादे पूरे हुए हैं ये भी लोगों के दिमाग में होगा, और जो अहम मुद्दे हैं ये भी लोगों के दिमाग में होगा। रामपुर की जनता कल के लिए कैसी तैयारी करके बैठी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कल रामपुर में पहले चरण का मतदान होना है और रामपुर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं प्रत्याशियों की बात करें, प्रत्याशियों ने कल चुनाव प्रचार कर कल 5 बजे के बाद समय समाप्त हो गया था और उन्होंने भी अपनी ताकत झोंक दी है। हर प्रत्याशी, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। मेन निगाह क्योंकि रामपुर के चुनाव पर रहती है, क्योंकि जब आजम खान मैदान में होते हैं तब भी, और आजम खान इस बार जेल में है तब भी रामपुर पर निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव ने जिस प्रत्याशी को उतारा है, आजम खान के समर्थकों ने उसका विरोध किया है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश की निगाह इस समय इस रामपुर के चुनाव पे होगी कि आजम खान
जो रामपुर में जिसको चलते आदमी को भी खड़ा करते थे वो भी यहाँ से जीत जाता था। तो क्या आजम खान के बिना रामपुर समाजवादी पार्टी जीतती है या नहीं जीतती है? यहाँ अखिलेश और आजम दोनों की अब दाव लगी हुई है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो मोदी योगी के नाम पे उनको वोट मिल रहा है, विकास के नाम पे उनको वोट कर रहा है, राम मंदिर के नाम पे उनको वोट मिल रहा है। तो सुरक्षा फिलहाल बसपा जो है, बसपा भी अपना दावा कर रही है कि हम भी यहाँ से जीते हुए हैं और भाजपा और सपा दोनों को हराएंगे। अब देखना यही होगा कि जब मतदान के बाद जब मतगणना होगी तो क्या आजम और अखिलेश दोनों में से किसकी साख बचती है या भाजपा जो है वो जीतती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रमुख सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन विशाल हमने इस सीट पर अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में देखा है और कई दफा विचार करने के बाद, विमर्श करने के बाद, आजम खान से मुलाकात करने के बाद जेल में जाके, उसके बाद शिवपाल यादव से चर्चा करने के बाद इस सीट पर मोहिबुल्ला आजम खान को जो है वो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनके नाम को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि रामपुर के लोग मोहिबुल्ला के नाम पर कह रहे हैं कि ये बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से आते हैं ये, और इनके नाम पर भी कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है। तो वहां की जनता के कंफ्यूज अभी भी नजर आ रही है अखिलेश यादव की तरह। देखिए, मोहिबुल्ला नदवी जो है वो रामपुर की स्वार विधानसभा के रजानगर के रहने वाले हैं, उनका गृह जनपद यही है, भले ही वो दिल्ली में रहते हो लेकिन वो रहने वाले यही हैं। भाई अगर क्योंकि ज्यादा दिनों तक तो वो बाहर रहते हैं, कभी कभार यहाँ आते हैं, तो इस वजह से लोग उनको नाम को कम जानते हैं और ज्यादातर वो उनको मौलाना जो है वो मौलाना के क्योंकि तुरक बेदारी से वो वास्ता रखते हैं। वही आजम खान के जब तक समर्थकों का उनका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक समाजवादी पार्टी यहाँ पे दो खेमों में बटी हुई है। और मेन चीज यही है कि अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ही की देखने वाली बात होगी, दोनों में की इज्जत यहाँ दाव पे लगी हुई है। अगर कैंडिडेट जीतता है तो आजम खान को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा कि वो अब समाजवादी पार्टी में हो या ना हो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर अखिलेश यादव का कैंडिडेट हारता है तो उनको ये जाहिर बात है, इनको देखना चाहिए कि आजम को साथ में रखना उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि आजम खान के बिना वो रामपुर की सीट नहीं जीत सकते। तो जाहिर बात है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ये और आजम खान दोनों में से ये क्लियर करेगी रामपुर की सीट। मोहिबुल्ला नदवी वर्सेस घनश्याम लोधी है यहाँ पर विशाल, लेकिन जो ओपिनियन पोल्स बता रहे हैं, ओपिनियन पोल्स तो ये बता रहे हैं कि ये सीट जो है चली जाएगी समाजवादी पार्टी के हाथ से, ये सीट चली जाएगी और ये बीजेपी यहां से जीतने वाली है। लहर कैसी बनती हुई आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप बहुत समय से इस सीट पर अपना ध्यान गड़ाए बैठे हैं, लोगों से मिलते हैं, विधायक से मिलते हैं, जो यहाँ से कैंडिडेट घोषित किए गए हैं भी उनसे मुलाकात करते हैं, तो आपका विश्लेषण क्या कहता है, यहाँ से हवा कैसी चलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होता हुआ नजर आ रहा है या आपको लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा ही है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम मतदाता ज्यादा है और मुस्लिम मतदाता इस बार बिल्कुल शांत है, उससे ये कहना बिल्कुल बीजेपी के साथ हूँ या समाजवादी के साथ हूँ ये कहना बिल्कुल गलत है। जहां तक लहर की बात करें, लहर इस समय भाजपा की लहर है, मोदी योगी की लहर है और हर तरफ भाजपा ही भाजपा इस समय नजर आ रही है। मुसलमान वोटर जो समाजवादी के प्रत्याशी है वो अपना बिल्कुल साइलेंट तरीके से प्रचार अपना बिल्कुल साइलेंट तरीके से प्रचार कर रहा है। तो अभी तक जो विश्लेषण है उसमें यही है कि भाजपा जो है वो तीनों में ही जो है ऊपर उभरती भी नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम मतदाता साइलेंट है, समाजवादी पार्टी का वोट साइलेंट है, अगर आजम खान के समर्थक, आजम खान का सपोर्ट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलता है तो जाहिर बात है रामपुर से सपा और भाजपा का कड़ा मुकाबला होगा। तो कड़ा मुकाबला आप होते हुए देख रहे हैं, 10 कैंडिडेट है यहाँ से रामपुर से, काफी कैंडिडेट्स हैं यहाँ से विशाल, जो कि अपनी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। मोहिबुल्ला नदवी भी हैं, घनश्याम लोधी भी हैं, इनके अलावा निर्दलीय भी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लोगों की नाराजगी भी है कि उनको टिकट नहीं दिया गया इसलिए वो यहाँ से निर्दलीय भी लड़ रहे हैं। तो जो निर्दलीय यहाँ से लड़ रहे हैं बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी से हट के, इंडिया गठबंधन से हट के लड़ रहे हैं, क्या वो लग रहे हैं कुछ खेल वो भी कर सकते हैं, कुछ गणित वो बिगाड़ सकते हैं, यहाँ का समीकरण वो खराब कर सकते हैं? देखिए निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनसे कोई गणित नहीं बिगड़ेगा, मेन जो गणित है वो बसपा प्रत्याशी है। अगर बसपा प्रत्याशी वोट ज्यादा खींच लेते हैं तो जाहिर बात है वो समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं, अगर नहीं बिगाड़ते हैं तो जाहिर बात कांटे की टक्कर जो है सपा और भाजपा में ही रहेगी। लेकिन जिस तरह से कहना वही कि रामपुर आजम खान का गढ़ है, आजम खान जेल में हो या जेल के बाहर हो फर्क बहुत डालते हैं और अखिलेश यादव को भी पता है कि आजम खान बिल्कुल पलट सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये समाजवादी पार्टी के लिए। अब मुकाबला यहाँ समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी है। कल देखना होगा यहाँ पर किस तरह से बंपर संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और मतदान करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी के लिए।